जब बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में एजुकेशन का मुद्दा बहुत ही अहमियत रखता है, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स लोगों के लिए भी। हम जब समाज के एक अंग हैं, समाज को समझने के लिए कोशिश करते हैं और उसमें हमारे अपना स्थान, हमारा लोकेशन अभी ढूंढना चाहते हैं, तो बहुत ही एक अलग तरह का एहसास होता है कि हम इसी सोसाइटी में जन्म हो के किस तरह से समाज में रहते हैं और समाज को देखते हैं। मैं समाजशास्त्र का टीचर हूँ और सोशियोलॉजी में जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं और जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही एक अलग तरह का हमारा अनुभव रहा है। पर्टिकुलरली जब हम स्टूडेंट्स के लेवल में देखते हैं तो क्या पढ़ने कहा जाता है, क्या पढ़ाते हैं, और टीचर लोगों को भी जब हम एक पर्टिकुलर मान लीजिए रीडिंग लिस्ट होता है हमारे सामने, पॉलिटिकल साइंस में हो, हिस्ट्री में हो, सोशियोलॉजी में हो, लिटरेचर में हो, क्या आखिर पढ़ाने को कहा जाता है और हम उसी से कहाँ तक रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए जो नौजवान जो युवक यहीं पे एकत्रित हैं, सबसे गुजारिश है कि पहले तो आप अपने जो डिसिप्लिन में एडमिशन लिए हैं उसमें पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन अपने समाज के बारे में भी समझने की कोशिश करना बहुत ही ज़रूरत है। और हम अगर बात करते हैं, मान लीजिए सोशियोलॉजी अभी 100 साल का सेलिब्रेशन कर रहा है जो डिसिप्लिन, 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहला डिपार्टमेंट बना और बहुत ही लिखा गया है इंडियन सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में लिखा गया है। लेकिन हम अगर मान लीजिए दो तीन तरह का बात कर सकते हैं, एक तो है जिस तरह से एक समाज का संरचना है, एक स्ट्रक्चर बना है और जिस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं कि चेंजेस लिया जा रहा है, उसको कैसे हमारे रीडिंग लिस्ट में रख रहे हैं या नहीं रखे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम जब सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के हिसाब से हम पढ़ाई किए और आज जब हम टीचर के हैसियत से पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब में जो माहौल है पढ़ाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन है, कुछ किताबें, कुछ प्रोफेसर सुकुमार फॉर इंस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये भी जो बीच में कंचाई का किताब है, ये सब सिलेबस में रखा जा रहा था, कितने रेजिस्टेंस है, कितना फाइट करना पड़ रहा है कि ये भी एक तरह का समझदारी से किताब समझा रहा है कि इंडियन सोसाइटी का बात है। लेकिन जिस तरह से एक डोमिनेंट डिस्कोर्स दूसरे पर्सपेक्टिव को जगह ही नहीं देता है या जगह देने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, तो टीचर स्टूडेंट सब मिल के दो तरह का हम बात कर सकते हैं। एक तो अपने लेवल में इंडिविजुअली जो समझदारी का बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें जो हमारे समाज के बारे में हमारे पर्सपेक्टिव से बताते हैं, और ये कमी नहीं है, बहुत ही हिस्ट्री रहा है एंटी कास्ट मूवमेंट का, एंटी कास्ट डिस्कोर्स का। और आप अगर पीछे जितने भी हमारे महान दलित चिंतक नेता और ये सब को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने संदर्भ एक प्रयास किए हैं कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी का, इंडियन कल्चर का समझ आ सकता है दूसरे तरीके से जो हमारे सामने नहीं रखा जाता है। दूसरा बात है कि पहला प्राइमरी ड्यूटी तो हम
कहेंगे कि आपने बहुत मेहनत करके बहुत स्ट्रगल करके दाखिला लिया है और अच्छे से पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल करना तो एक बहुत जरूरत बात है, बेसिक एसेंशियल चीज है, लेकिन हम सबको उसके ऊपर आके एक नया संदर्भ में भी देखना पड़ेगा हमने अपने आप को और हमारे समाज को, और जिस दिशा में हमारे समाज हमारे संस्कृति को दिखाया गया है और किस तरह से हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी जो भी डिपार्टमेंट में कॉलेज में दाखिला लिए हैं उसमें तो पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन कोशिश भी किया जा सकता है कि जैसे एक एनुअल गैदरिंग नहीं करके ओरिएंटेशन मोटिवेशन का महीने में एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बना जा सकता है, जितने भी हो सकते हैं बैठ के बातचीत करें, अपने अपने चिंता व्यक्त करें और उससे बहुत आगे निकल सकते हैं एक नया अल्टरनेटिव डिस्कोर्स जो कि हमारे अपने आप को देखने के लिए हमारे अपने समाज को समझने के लिए मदद कर सकता है। और आज अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम्स, उतना ही महत्वपूर्ण है प्राइमरी एजुकेशन का भी, एंड पर्टिकुलरली दलित एससी एसटी टीचर्स स्टूडेंट्स जो उसमें घिसे हुए हैं उनके बारे में अगर हम सोचें तो न कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, न कोई चिंता भी करेगा उनके इश्यू को लेके। इसी कारण हमको ही हमारे बारे में सोचना है, हमको ही अपने बारे में लड़ना है और स्टडी के साथ हमको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। और जितने भी मुद्दे हैं, मान लीजिए एक बार एडमिशन हो गया, एडमिशन पहले होता था कि एससी एसटी का, अगर मान लीजिए मेरे अपने डिपार्टमेंट का मैं बात कर सकता हूँ कि 15% अगर एससी कोटा बनता है 7.5% एसटी का कोटा बनता है, तो एक समझ लिया गया था कि उतना ही मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे एक डिपार्टमेंट में, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम है और एक कोटा पॉइंट से ऊपर अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से आता है तो उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले मिलना चाहिए और टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कैटेगरी विल बी मच हायर देन 15% एंड 7.5%। बहुत डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग माय ओन डिपार्टमेंट यही चलता था कि वही 15% और 7.5% मैक्सिमम हुआ करता था, और एक बार अगर लिस्ट निकाल दिए उसमें से अगर कुछ कम एडमिशन हुआ है फिर दोबारा उनको एक्चुअली भरने के लिए कोशिश भी नहीं किया जाता था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में डिपार्टमेंट में सारे हमारे टीचर्स ये सब आ गए हैं और शायद सिचुएशन कुछ बदल रहा है, लेकिन एडमिशन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रॉपआउट रेट भी है अमंग आवर ओन स्टूडेंट्स। एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन 3 साल का मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम में कैसे सस्टेन कर सकते हैं और सक्सेसफुली डिग्री अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर मास्टर्स प्रोग्राम हो कि एमफिल हो कि पीएचडी हो, सक्सेसफुली डिग्री लेके जाने का नंबर बहुत ही कम होता है। और इसीलिए हमको बहुत रेगुलरली फॉलोअप करना पड़ेगा एज ए कलेक्टिव, और स्टूडेंट्स लोगों को भी अपने समस्या को सबके सामने रखना पड़ेगा, टीचर्स भी जो कर सकते थे अपने डिपार्टमेंट में अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी लेवल में एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। और अभी अगर एजुकेशन हो गया, नेक्स्ट लेवल अगर एम्प्लॉयमेंट का बात करें, एम्प्लॉयमेंट में इतने रिक्रूटमेंट का आप स्कैम बोलें स्कैंडल कहें कि करप्शन कहें, अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट तो बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन गैस की एडहॉक जब लिया जाता है तो कैटेगरी के जो पोजीशन होते हैं उसी के अनुसार उसी कैटेगरी से फिलअप नहीं किया जाता, और इसीलिए अगर डिग्री मिल गया और एम्प्लॉयमेंट का हम अगर बात करते हैं
तो एट अनदर लेवल वी हैव टू कन्फ्रंट एज प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो बहुत तरह तरह का इश्यूज है। कोई स्टूडेंट्स इतने परिश्रम करने के बाद डिग्री नहीं पाता है, कोई डिग्री पाने के बाद नौकरी नहीं पाता है। तो ये सब इतनी बहुत बेसिक कंसर्न है, एक इंडिविजुअल का नहीं है, एक फैमिली का है, एक कम्युनिटी का बात है और एक नेशन और एक सोसाइटी का भी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि और बहुत रेगुलरली हम मिल सकते हैं और अपने बातों को बोल कर सकते हैं और जितना हो सकता है हम लड़ाई करके अपने आप को ले सकते हैं। बाकी पैनलिस्ट हैं और लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत इश्यूज उभर के आएंगे एज स्टूडेंट्स टीचर्स जो फेस करते हैं इन द यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। इसी के साथ मैं अपने बात रखता हूँ और वेलकम करता हूँ पर्टिकुलरली जो नए सेशन में एडमिशन लिए हैं और वेलकम टू द कम्युनिटी एंड कॉन्शियसनेस जो योग शिक्षा जस्टिस का मुहिम चलाए हैं। हम साथ साथ देना चाहिए और मूवमेंट को भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो बाबा साहेब का जो एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज वाला स्लोगन है उसको वैसे ही नहीं किया जा सकता है, उसका सही मायने में हमको इम्प्लीमेंट करना बहुत की ज़रूरत है। और एजुकेशन पॉलिसी अगर हम बात करें अभी का जो दौर में चल रहा है, फुल ऑफ क्राइसिस एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर, और हमको गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं एक कम्युनिटी के अनुसार, एक कलेक्टिव के अनुसार और अपने हाथ अपने हिसाब से ले सकते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।